नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। बीपीएससी 69 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे टेस्ट देख रहे थे, और इस क्रम में यदि बात करें तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे परफेक्शन आईएएस से जो है दो टेस्ट देख चुके हैं। इसके अलावा आस्था आईएएस से जो है टोटल यहाँ पे 5 टेस्ट देख चुके हैं, जिसमें जो है आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था। जैसे पॉलिटी का एक टेस्ट था, एक आपका हिस्ट्री के ऊपर टेस्ट था, एक ज्योग्राफी के ऊपर और एक आपका इकोनॉमी के ऊपर। साथ साथ एक टेस्ट जो है यहाँ पे फुल लेंथ का टेस्ट था। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये इम्तिहान से देख रहे हैं, तो इसका भी जो प्रश्न बना हुआ है, इसका मैं प्रश्न यानी एनालिसिस किया हूँ, तो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न का कलेक्शन किया गया है जो बीपीएससी के पैटर्न को मैच करता है। ऐसे में टेस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं, और यहाँ पे जो अभी हम लोग टेस्ट देख रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट देख रहे हैं, और कल हम लोग जो है इकोनॉमी का एक टॉपिक था आपका बजट, ठीक है। तो बजट जो है 2023-24, इससे रिलेटेड हम लोग कल टेस्ट देखे थे। आज जो है हम लोग टेस्ट जो देखने वाले हैं इम्तिहान का ही टेस्ट नंबर दो, और ये है आपका प्रियम्बल मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपका प्रस्तावना वगैरह से है, और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमारे संविधान का क्या क्या फीचर वगैरह है, इनसे रिलेटेड ये टेस्ट है। इसमें जो है देखें तो टोटल जो है प्रश्न आपको 75 होंगे। बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है कि यहाँ पर निगेटिव जो है इस बार से पिछली बार से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। ये इसका जो है ये टेस्ट नंबर जो है 2 है, ठीक है। तो आज जो है आपका 22 जुलाई है, तो ऐसे में जो है हम टेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपका लाइव टेस्ट ही होगा, तो सारे लोग जो है अभी इसी वक्त जो है लाइव जो है 9 AM डेली जो है आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, और लाइव जो है एक एक प्रश्न को मेरे साथ पैरेलली जो है सारे लोग अटेंड करेंगे। डेली जो है 9 AM सुबह में हम लोग ये टेस्ट देखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जामिनेशन डेट फिक्स है, तो 30 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसे में आप जितना प्रैक्टिस कर ले प्रीलिम्स के नज़रिए से उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा आज से एक नई बात और है आप सभी के लिए। वैसे बीपीएससी 69 को लेकर मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये मैं बता रहा था कि जो भी नेक्स्ट टेस्ट होगा मैं टॉपिक जो है एक दिन पहले ही आपको बता दूंगा। यदि टॉपिक वाइज टेस्ट होगा तो मैं टॉपिक आपको बता दूंगा, यदि सब्जेक्ट टेस्ट होगा तो सब्जेक्ट बता दूंगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा तो वो भी मैं बता दूंगा। वैसे में अगर यदि बात करेंगे ठीक है, तो अगला टेस्ट जो आपका होगा ये होगा आर्थिक सर्वे का, जो इसका टेस्ट नंबर 3 है, यह है आर्थिक सर्वे आपका 2022-23। ये टॉपिक आप लोग रेडी करके आएंगे, ठीक है। अगला टेस्ट हम लोग इसी का करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आप टॉपिक भी पढ़ के आएंगे और साथ साथ आपका टेस्ट होते रहेगा पैरेलली में, तो ये बेहतरीन आपके लिए जो है सीरीज हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। तो जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं देखे हैं वो लोग सारे लोग टेस्ट देख लेंगे। बाकी आप टेस्ट के आप लोग टेस्ट को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी से ही जुड़ जाए और इनको प्रीलिम्स एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है टेस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बाकी आपका कोई फीडबैक वगैरह कमेंट होगा तो कमेंट कर देंगे। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, एक एक प्रश्न को देखते हैं, तो आप भी मेरे साथ पैरेलली करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है लिखते रहिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें, ठीक है। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 93 का जो है चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नींव रखने की बात चूंकि यहाँ पे हो रही है शुरुआत करने के बाद, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, पॉलिटी से रिलेटेड जो है एक रिवीजन मैं यहाँ पे कराया हूँ अभी ईपीएफओ के एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाकी यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो 7 से 8 घंटे में है, जाके आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, लाइव सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी का एक आपको राज्य व्यवस्था का वीडियो दिख जाएगा। तो आपको पता है कि भारत में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश काल में पहली बार 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसी के तहत केंद्रीय प्रशासन का जो है नींव रखा गया, यानी भारत में जो है संविधानिक विकास का क्रम यहीं से शुरू होता है। अब ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में सबसे पहला अधिनियम कौन था, ये भी आपका कौन सा था,
1773 का ही आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, इस अधिनियम में बहुत सारी बातें रखी गई थी, एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, कुछ प्रश्न आपसे यहाँ से बनाया जा सकता है। जैसे आपको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो इसी अधिनियम के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में जो है आपको उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना की गई। ठीक है, ये सब बातें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी डिटेल में आपको देखना होगा तो मैं आपको बताया हूँ, वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो जाके आप देख सकते हैं, एक पॉलिटी का अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में बात किया जाए तो यहाँ से 10 प्रश्न तो आपके एग्जाम में बनेंगे ही। ठीक है, चलिए बाकी टेस्ट जो है, अगर मान लीजिए यूपी पीसीएस वाले हैं या यूपी पीसीएस आर वाले, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए पॉलिटी का नेचर तो चेंज नहीं होगा, प्रश्न पूछने का बस तरीका चेंज हो सकता है। बाकी आपके भी एग्जाम में पैटर्न लगभग यही है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए करें, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो है आंसर आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्टर कानून 1813। ठीक है, 1813 का जो चार्टर कानून था, इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में आकर और ईसाई धर्म की जो है प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दिया गया था। अगला देखिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पे कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? आंसर करें, देखिए इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका, चार्टर अधिनियम जो है आपका कानून 1813। ठीक है, भारत की जो है स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पे, ठीक है, किसी भी व्यक्ति पे टैक्स कर लगाने का अधिकृत किया गया, ठीक है, और कर भुगतान नहीं करने पे दंड वगैरह का भी व्यवस्था किया गया, 1813 से ये प्रोसेस शुरू हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया गया? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल यदि बन गए तो इसी में क्या होगा, नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित हो गई, और ऐसे में देखेंगे तो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनकी विधायिका संबंधित शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये भी बात याद रखेंगे, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम देखेंगे तो इसमें पहली बार जो है गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, विधायी और प्रशासनिक कामों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो है परिषद में 6 नए आपको पार्षद और जुड़े गए, और इन्हें जो है विधान परिषद कहा गया। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया? ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1853 का आपको चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, ठीक है, इसी के द्वारा जो है आपको सिविल सेवकों के भर्ती के लिए, चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, याद रखेंगे। अच्छा, ये बात आप याद रखेंगे, लेकिन बाद में एक्चुअली में क्या हुआ था, 1853 के तहत तो आरंभ किया गया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद समाप्त कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। और आगे चल के देखेंगे, ठीक है, तो अच्छा 1833 में एक्चुअली समाप्त किया गया था, ठीक है, मेरे दिमाग में ही चल रहा था। देखिए बाकी आंसर आपका सही है, 1853 ही होगा, 1833 में जो है आपको चार्टर अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने की बात की गई। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न में पूछ दिया जाता कि शुरू करने की कब बात की गई, तब आपका आंसर क्या हो जाता, 1833। लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ था, एक घटनाएं घटित हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध हो गया, इसके कारण समाप्त कर दिया गया। फिर आपको 1853 के चार्टर अधिनियम में आपको क्या किया गया, ये सिविल सेवक भर्ती के लिए यहाँ पे खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। अगला देखिए, ये मिलान करना है, एक तरफ विशेषता और एक तरफ अधिनियम है, तो इसमें ध्यान देंगे
विशेषता अधिनियम। इधर कुछ और भी इसमें पॉइंट हो सकते हैं। हाँ, इधर आपको दो दिया है, ठीक है, और दो वहाँ पे दिया है, यानी आधा आधा प्रश्न यहाँ पे बिखरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है, ईस्ट इंडिया व्यापारिक निकाय के रूप में जानने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ये कब कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसकी गतिविधियों को पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1833 के चार्टर नियम में। तो एक है तो आपका एक बन जाएगा। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, ये 1853 में हुआ था। बी का तो दो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपको सी, ठीक है। देखिए, भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया, देखिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ। और नेक्स्ट है ये सी का तीन हो जाएगा, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे कुछ विशेषता दिया गया है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों में निम्न में से कौन सा विशेषता शामिल थी? अच्छा, एक बात और, पॉलिटी का आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, एक यहाँ पे यूपीएससी 2024 करके एक प्लेलिस्ट में सेक्शन होगा, वहाँ भी आपको यूपीएससी के लिए जो है आपको टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे में जो है आप सेक्शनल टेस्ट जाके देख सकते हैं, वो भी आपका पॉलिटी का टेस्ट अभी कराया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, 1858 के तहत भारत सरकार अधिनियम के बारे में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? फुट का प्रयोग करके आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है। चलिए इसको तो थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब आप सभी को ऑप्शन भी दिख रहा होगा। देखिए, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन जो है द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद भी थी। इसमें बताना है कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी बन जाएगा। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम में जो है नियंत्रक बोर्ड याद रखेंगे और निदेशक कोड, इसको समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई, पहली बात। यानी अब देखेंगे उसके बाद, देखिए एक नया पद जो है भारत का राज्य सचिव, इसका भी सृजन किया गया, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। नया पद जो है भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया, निदेशक मंडल जो है यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको जो है समाप्त कर दिया गया, ये भी बात याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, भारत में सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का भी बात किया गया। इसमें देखेंगे तो 15 सदस्यीय में ये भी आपसे पूछा सकता है, तो 15 में जो है आपको 8 सदस्य जो है नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन क्राउन को था, ठीक है, ब्रिटेन क्राउन 8 को चुनेंगे, और 7 इसमें कौन रहेंगे आपको? सदस्य कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रहेंगे। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ और उसके बाद जो है ये शासन प्रशासन भारत का जो है क्राउन के हाथों में चला गया। ऐसे में जो है ब्रिटेन का जो है संसद का अब ज्यादा हस्तक्षेप, धीरे धीरे जो है उसका वर्चस्व देखने को मिलेगा, वैसे में प्रोसेस जो है अपनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी? शासन के विकेंद्रीकरण यानी जो भी शक्ति है उसका क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, ये कौन था? आंसर आप लोग कर लिए होंगे, 1861 का अधिनियम। इस अधिनियम में जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति पुनः दे दिया गया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया दी गई। विकेंद्रीकरण मतलब सिंपल हो गया कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास कुछ शक्ति है, इसके अंदर राज्य है, राज्यों के पास भी कुछ शक्ति है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपको गांव है, गांवों के पास भी कुछ अधिक, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, शक्तियां जो है किसी एक में निहित नहीं हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो 1861 में किया क्या गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति जो है पुनः दी गई। पहले आप देखे थे विधायी शक्ति समाप्त की गई थी, फिर पुनः दे दी गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? प्रतिनिधि शासक,
प्रतिनिधि शासन की शुरुआत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। ठीक है पूछा गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है पहला, दूसरा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था आरंभ दृष्टिगत हुई। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वार्षिक बजट पे बहस करने का अधिकार जो है भारतीय सदस्य को मिला। यहाँ पे आपको गलत कथन ढूंढना है। आंसर करें, देखिए तो 1861 में अगर देखेंगे तो ये पहला स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा, आप लोग आंसर करें। ठीक है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय के जो है आपातकालीन में बिना काउंसलिंग के संतुति के ही अध्यादेश जारी करने का अधिकृत कर दिया गया, तो पहला तो स्टेटमेंट आपको सही हो गया। ठीक है और अध्यादेश की अवधि जो है मात्र 6 माह की वहां पे करने की बात की गई है। और इसी अधिनियम में देखेंगे तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जो है इसी में नींव पड़ी थी। ठीक है भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम जो है आपको संसदीय व्यवस्था का आरंभ जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 में देखने को मिलता है। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1892, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ठीक है बाकी देखें, 1861 में भारत परिषद अधिनियम, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था नहीं पड़ी। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वार्षिक बजट पे बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को जो है आपको मिला था, ये भी स्टेटमेंट तो आपका सही है। यहाँ पे गलत कथन आपको बताना है। ठीक है ये बजट पे बहस करने का अधिकार शायद 1909 में नहीं दिया गया था, चलिए इसको हम कंफर्म करेंगे अगले में। ठीक है 11 को, अभी के लिए आप लोग जो है इसका आंसर डी ही कर लें। ठीक है चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में सबसे पहले जो है किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, जो वायसराय का एक परिषद होता था। ठीक है देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया इसी के तहत पहली बार किसी भी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की जो एक कार्य परिषद थी उसके साथ जो है एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और इसमें बात करेंगे तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की जो है कार्यपालिका परिषद के प्रथम जो है भारतीय बने थे और उन्हें जो है विधि सदस्य भी बनाया गया था। किसको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है अगला प्रश्न देखिए। ठीक है एक एक प्रश्न को आप पैरेलली मेरे साथ करते रहें, मैं इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आप सभी को पहले ही दे दिया हूं। ठीक है देखिए अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पे मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर कर लिए होंगे आप लोग। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसी के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव के लिए व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। निर्वाचन के लिए 3 प्रकार का निर्वाचन मंडल का प्रधान था, इसमें एक था साधारण, एक था वर्ग विशेष और एक था विशेष। और इसी अधिनियम में देखेंगे तो मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई। ठीक है यानी सिंपल सी बात है, ऐसा व्यवस्था की गई कि फूट डालो और राज करो, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1909। अच्छा 1909 भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे हैं अभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैत शासन की स्थापना की गई। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए पूछा गया था कि प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैत शासन। ठीक है तो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919। भारत शासन अधिनियम जो 1919 था इसे जो है एक और नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं।
और प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, और 1 अप्रैल 1921 से, ठीक है, द्वैत शासन जो है बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में जो है आरंभ कर दिया गया। ठीक, तो द्वैत शासन जो है अब ये लाया गया और उसके बाद 1921 से ये आरंभ भी कर दिया गया, ये भी बात याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात, ये द्वैत शासक का पूछा जाए कि जनक किसको बोला जाता है, जन्मदाता किसको बोला जाता है, तो लियोनिल जो है कार्टिस को बोला जाता है। एक पुस्तक है उनका लियोनिल कार्टिस का, डायरकी, डायरकी जो है इनके पुस्तक का नाम है, और इसी पुस्तक में जो है ये आपको द्वैत शासन का वर्णन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको भी याद करके रखेंगे, आगे आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सबसे पहली मताधिकार का अधिकार दिया गया, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार, इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम बात किए हैं, वो जो आईएएस वाला सीरीज है। ठीक है, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसी में जो है ब्रिटिश भारत में पहली बार महिलाओं को सर्वप्रथम आंशिक तौर पे, ठीक है, मताधिकार का जो है अधिकार दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए उपरोक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब आप सभी को क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, 1919 का भारत सरकार अधिनियम की विशेषता बतानी है आपको। देखिए, भारत का ये जो टॉपिक अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, यानी 1773 से लेके रेगुलेटरी एक्ट लेके से और भारत की आज़ादी तक जो भी प्रश्न बन सकते हैं, लगभग सारे प्रश्न का यहाँ पे कलेक्शन जो है किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, गलत आपको बताना है। देखते हैं, सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचक प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों पर लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले केंद्र में द्विशदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति और कर को आधार बनाया गया। ये 1909 के अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए गलत पूछा गया था, तो यहाँ पे सारा बात, तो यहाँ पे विशेषता ही इसका है, तो उपरोक्त में से कोई सा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, डी बनेगा, 1919 में देखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो 1909 में मुस्लिमों के लिए अभी हम लोग देखे थे कि पृथक निर्वाचन की अपनाया गया था और उसे 1919 के अधिनियम के द्वारा विस्तारित किया गया। ठीक है, तो 1919 में केवल मुस्लिमों के लिए, और इसी को विस्तार कब किया गया, 1919 में। अब ये केवल मुस्लिमों के लिए नहीं रह के सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों पे भी लागू हो गया। ठीक है, और 1919 के अधिनियम के द्वारा याद रखेंगे, देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्था साथ साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और इसी प्रकार भारतीय जो है विधान परिषद के स्थान पे द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। साथ साथ ये भी बात ध्यान रखेंगे, 1909 का जो है भारत सरकार अधिनियम है, इसी के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का जो है गठन का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, तथा इसी में देखेंगे तो भारत सचिव को जो है भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया। अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से कब अलग किया गया था ये पूछा जा रहा है। ये था आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसी में जो है आपको केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था, यानी राज्य विधानसभा अपना बजट स्वयं बनाएंगे और वो स्वयं जो है इसके लिए अधिकृत होंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न आप लोग करते रहें, आप मैं तरीका आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, दो काम, नहीं तो आप ओएमआर सीट पर फिल करें, नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो एक जो है कॉपी पे ये 4 साइज का कोई पेज ले ले और वहाँ पे आप लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है, सही बताना है। देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष लियोनिल जो है कार्टिस था। प्रांतों में शासकीय बहुमत 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया। केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया।
ठीक है, यहाँ पे सही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी आपको क्या है, बिल्कुल ही सही है। केंद्र में प्रांतों और प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम किया गया था। ठीक है, बाकी जो है प्रांतों में जो है आपको द्वैध शासन की समाप्ति की बात 1919 में नहीं की गई थी, कब की गई थी आपको 1935 में। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, वैसे में तो गलत है लेकिन सही कब हो जाता, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में जो है आपको द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली की सफलता की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपको अलेक्जेंडर मूडीमैन। ठीक है, ये लियोनल कास्टिस नहीं थे, कौन थे, अलेक्जेंडर मूडीमैन, याद रखेंगे इसको भी। प्रांतों में जो है शासकीय बहुमत 1935 का अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था, ये भी आपको गलत है। ठीक है, ये जो है आपको केंद्र और प्रांतों में देखेंगे तो प्रशासनिक शक्ति का विभाजन जो है 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। देखिए कभी कभी एक प्रश्न में तीन चार प्रश्न भी आपको बनाए जा सकते हैं, वैसे में जितना भी पॉसिबिलिटी है मैं आपके सामने डिस्कशन जो है उसका कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया कौन सा इसमें सही है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें, यहाँ पे सही आपको बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। प्रांतों में यदि पूछा जाए तो द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी, 1919, लेकिन केंद्र में पूछा जाए तो 1935। बिल्कुल ही दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही है। 1935 में तो देखेंगे द्वैध शासन की जो है यहाँ पे अधिनियम की बात की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं, एक और बात, एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा सकता था कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन जो है कब समाप्त किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका। ठीक है, आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तीन सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में किया गया, जिसमें क्रमशः कितने विषय थे। देखिए 1935 का जो अधिनियम था उसमें तीन जो है आपको विभाजन किया गया केंद्र और प्रांतों की शक्तियों को, एक संघ था, एक आपको राज्य या प्रांतीय सूची बोल सकते हैं, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है आपका 59 विषय, ठीक है, संघ सूची में 59, तो 59 तो यहाँ भी दिख रहा है। राज्य सूची या प्रांतीय सूची में जो है यहाँ पे 54 विषय रखा गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बाकी समवर्ती में 36 जो है रखा गया था। ठीक है, 1935 में 59, 54 और आपको 36। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि अभी जो हाल फिलहाल आपको संघ सूची में कितना है, प्रांतीय में कितना है और समवर्ती में कितना है। ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पॉलिटी वाले जो है रिविजन लेक्चर में। ठीक है, चलिए, अच्छा इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो आपातकालीन जो है वायसराय को सौंपा गया था, इनके अलावा। आगे देखिए, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था। संघीय सरकार की स्थापना के बाद जो है आप आंसर कर लिए होंगे, 1935 का जो है आपको अधिनियम में संघीय सरकार की स्थापना की बात की गई थी। हालांकि देखेंगे तो ये कभी अस्तित्व में आया ही नहीं, ठीक है, बस इसकी बात जो है की गई थी, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे प्रस्ताव की बात है, तो प्रस्ताव तो यहाँ पे किया गया था, क्योंकि वजह यह था संघीय नहीं बनने का कि जो भी देशी रियासतें थी उस संघ में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थी। चलिए, अच्छा 1935 के अधिनियम के तहत ही आपको एक संघीय न्यायालय की व्यवस्थापना की गई थी, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, प्रांतों में स्वायत्त शासन, ये भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 1935 का अधिनियम के द्वारा। मैं थोड़ा सा आपको यदि वक्त दे रहा हूँ, आप पैरेलली आंसर को करते रहें, ठीक है, भले ही गलत कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही कर रहे हैं अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। उस समय जो है कितने प्रांतों में किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, 6 प्रांतों में। ठीक है, 1935 जो भारत शासन अधिनियम था यहाँ पे जो है 11 प्रांतों में 6
छह प्रांतों में किया गया था व्यवस्था द्विसदनीय वाले। और ये कौन कौन थे प्रांत? तो बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास और असम। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, उच्च सदन विधान परिषद एक अस्थायी सदन था और निम्न सदन एक विधान सभा था। आज भी द्विसदनीय व्यवस्था जो है काफी प्रांतों में है, काफी राज्यों में है। ठीक है, आज कितने राज्यों में है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, 1935 के अधिनियम की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विशेषता कौन नहीं है 1935 में? देखिए, इसमें संघीय बैंक की स्थापना की बात की गई, इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा दो नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ। यहाँ पे पूछा गया कौन जो है आपको गलत है, विशेषता नहीं है पूछा गया ना। देखिए, 1935 के अधिनियम का अगर बात किया जाए तो इसमें जो है आपको संघीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की गई थी, तो संघीय बैंक तो यहाँ पे प्रावधान आपका हो जाएगा, ये तो सही होगा। ठीक है, आप लोग आंसर करें। इसके बाद देखें यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय वाली बात जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, किसकी? संघीय न्यायालय की। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सारा कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दो तो प्रांत उड़ीसा और आपको जो है इसमें देखेंगे तो 1935 के अधिनियम में जो है भारत को जो है भारत से आपको बर्मा को जो है अलग कर दिया गया था, साथ साथ दो नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का भी निर्माण किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही ही बनेगा। ठीक है, बाकी सब सही है। गलत क्या है यहाँ पे, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखता था ये सही हो जाता आपका। इसमें अगर लिख देता मान लीजिए कि संघीय न्यायालय, ठीक है, संघीय न्यायालय कहाँ बनाया गया था, दिल्ली में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25, किस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1935 का जो है अधिनियम के द्वारा। ठीक है, देखिए देखेंगे तो 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिमों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसका हम थोड़ी देर पहले आपको बात किए थे। यानी 1909 में क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करके और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरू कर दी गई। आगे चल के हम लोग देखे थे 1909 में ये व्यवस्था हो गया, 1919 में क्या हुआ था? ठीक है, देखिए तो 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए, फिर 1919 आता है, ठीक है, और 1919 में इसमें ऐड कर दिया जाता है कौन कौन, सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सभी यूरोपीय वगैरह शामिल हो जाते हैं। और फिर आता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम में दलित जाति, ठीक है, दलित जाति की महिलाएं हो गए, मजदूर वर्ग हो गए, इनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था यानी आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ठीक है, धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा था इसका। अगला प्रश्न देखें, अगला है प्रश्न संख्या 26, अंतरिम सरकार में श्रम विभाग जो है किसके पास था? बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। देखिए 1946 में जो अंतरिम सरकार थी तो उसमें श्रम विभाग किसके पास था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जगजीवन राम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार के सदस्य, चलिए प्रश्न दिख नहीं रहा होगा सही से, अंतरिम सरकार में सदस्य तथा धारित विभाग में कौन से युग्म सही नहीं है, गलत यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ सदस्य है, यहाँ धारित विभाग है, इनको कौन विभाग दिया गया था जो अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। सरदार पटेल, गृह विभाग, ठीक है, तो इनको गृह और सूचना और प्रसारण जो है दिया गया था, ऐसे में जो है याद रखेंगे गृह के साथ इनको और कौन मिला था, सूचना व प्रसारण, ये सही हो गया। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि, ठीक है, तो ये भी सही है। लियाकत अली खां, वित्त, ठीक है, इनको वित्त दिया गया था। टी राजगोपालचारी, स्वास्थ्य, ठीक है, सी राजगोपालचारी को स्वास्थ्य नहीं किया गया था, ऐसे में गलत हो गया। तो इनको क्या किया दिया गया था, सी राजगोपालचारी को इनको दिया गया था शिक्षा व कला। ठीक है, इसके अलावा जो है स्वास्थ्य किसको दिया गया था, तो प्रश्न ये बनता है, ठीक है, याद रखेंगे स्वास्थ्य जो है गजनफर अली खां को। वाणिज्य अगर पूछा जाता है तो आईआई जो है सुंदरी गर्ग को दिया गया था, बाकी सारा जो है याद रखेंगे। आगे देखिए
स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन बनाए गए थे? देखिए विधि मंत्री की बात करें, आप आंसर कर चुके होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, विधि मंत्री बने थे। जगजीवन राम क्या बने थे? तो अभी थोड़ी देर पहले बात किए हम लोग, श्रम मंत्री ये बने थे, ठीक है। बाकी जो है राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य और कृषि, ठीक है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 के सदस्य और उसके विभाग का सही मिलान करें। एक तरफ देखिए सदस्य है और एक तरफ उनका विभाग है, ठीक है। आंसर करेंगे इसका, देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, शिक्षा ही था इनका। आप लोग आंसर करें पहले मेरे साथ। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, इनको स्वास्थ्य, तो ये तीन हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति, और आर के जो है सणमुगम सेट्टी, इनको जो है वित्त था। तो ऐसे में चार, एक तीन दो चार, ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखिए डी बन जाएगा, एक तीन दो चार। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस योजना पे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा योजना आया था जिसमें भारत में संविधान सभा की जो है गठन की बात की थी? ये था कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये कैबिनेट मिशन योजना जो है कब आया था, ठीक है, ये आया था 1946 में, ठीक है, नवंबर 1946 में, और इसी के प्रयासों से जो है यहाँ पे संविधान सभा की स्थापना की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, ये कितना हम लोग प्रश्न कर लिए, 30, 31 देखना है, ठीक है। देखिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था, वजह क्या था, रीजन पूछा गया, आंसर करें। देखिए मुस्लिम लीग का पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। दूसरा, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। तीसरा, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था नहीं था, वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे, ऐसे में जो है लोग बहिष्कार के, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मुस्लिम लीग का यहाँ पे प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था या इसमें सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, ये सब चीज़ें जो है नहीं थी। आगे देखिए, संविधान सभा के लिए कितने इंडिपेंडेंट जो है सदस्य चुने गए थे, स्वतंत्र, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, 8, ठीक है। संविधान सभा के लिए देखेंगे तो स्वतंत्र रूप से 8 सदस्य चुने गए थे, ठीक है। अच्छा पूछा जाता है कि मान लीजिए महिला सदस्य कितना, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 15, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। जबकि एक और डाटा यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, 26 जो है आपको अनुसूचित जाति चुने गए थे, ठीक है। अनुसूचित जाति, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? आंसर करें, देखिए बंगाल के पश्चिमी भाग से है, पूर्वी भाग से बम्बई प्रेसिडेंसी या मध्य प्रदेश, यहाँ पे पहली बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। देखिए पहली बार इनका निर्वाचन जो है बंगाल के पूर्वी भाग से था, ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। बंगाल के पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग पता ही है आपको बांग्लादेश, और विभाजन के बाद तो पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, जिसके कारण पुनः इनका जो है बम्बई प्रेसिडेंसी जो है पुनः जो है सीट से जो है कांग्रेस के जो है एम आर जयकर के रिक्त कराकर और उपचुनाव करा के, और फिर पुनः इनको कहाँ चुना गया था, बम्बई से, ठीक है। तो ध्यान देंगे पुनः इनको बम्बई चुना गया था, पहले वो वहां से चुने गए थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 34, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यहाँ बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही है। चलिए ऑप्शन तो आप सभी को दिख ही रहा होगा, देखिए पहला देखिए यहाँ पे, जुलाई 1946 में कृषि मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा किया गया, महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जीना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे। यहाँ पे क्या बताना है आपको, सही उत्तर बताना है, ठीक है। देखिए ये पहला स्टेटमेंट तो आपको गलत हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या किए थे, ठीक है, कि क्रिस मिशन नहीं था ये, ठीक
कौन था आपको, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आपको आया था उसी के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सभा द्वारा किया गया था, ये तो स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो महात्मा गांधी मोहम्मद अली जीना जो है इस संविधान सभा के सदस्य बिल्कुल नहीं थे, तो ये भी सही है। 9 दिसंबर 1946 को भारत के आपको संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग सदस्य शामिल नहीं हुए थे, बिल्कुल नहीं हुए थे, ये भी गलत है। तो ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, पहली बात याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में जो है आपको संविधान सभा के चुनाव का बात किया गया था, पहली बात। संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अच्छा, 9 दिसंबर जो 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है आपको मुस्लिम लीग बिल्कुल जो है शामिल नहीं था। अच्छा, पहले अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे? ठीक है, ऐसे 389 सदस्य चुने गए थे, पहले में कितने शामिल हुए थे? तो 208 सदस्य हैं केवल उपस्थित थे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 35, निम्न में से किसका कथन था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? ठीक है, ये कथन किसका था आपको, महात्मा गांधी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के लिए विचार का प्रतिपादन किसने किया था, यानी संविधान के लिए जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा के लिए विचार किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा जा रहा है, आंसर करें। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, एम एन राय। ठीक है, एम एन राय के द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। देखिए, संविधान सभा का गठन का विचार जो है सबसे पहले, ठीक है, कब, 1934, 1900 जो है आपको 34 में जो है एम एन राय के द्वारा जो है रखा गया था। और इसके बाद देखेंगे तो 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत के संविधान के निर्माण की जो है आधिकारिक रूप से जो है गठन की बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1938, ठीक है, तो 1935 हो गया, फिर 1938, 1938 में देखेंगे तो कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा किया गया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार पे जो है चुनी गई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा, यानी इसमें किसी भी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी बात याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? काफी आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए, ये जो है पंडित नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, दिन कौन सा था, 13 दिसंबर 1946, इसी दिन जो है पंडित नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अब पेश किया गया, लेकिन स्वीकार कब किया गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता किस दिन स्वीकार किया गया था, तो ये आपको 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी आपको 1947 को जो है सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया गया था। बहुत सारा संशोधन वगैरह इसमें किया गया था। आगे देखिए, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई, आंसर करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1947 को। ऐसे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, थोड़ी देर पहले अभी हम लोग पढ़े थे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, ठीक है, और मुस्लिम लोग तो खैर इसका बहिष्कार वगैरह कर रहा था, अलग पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को, ठीक है, जीवी मावलंकर जो है इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। और इसमें देखेंगे तो इस सभा में बैठक में जो है आपको संविधान के रूप में इसकी जो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, सभा की बैठक की संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, लेकिन बतौर जो है विधायिका जो है इसके अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39, संविधान सभा में सही है, ठीक है, यहाँ बताना है कौन कौन सा सही है। देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, दूसरा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। संविधान सभा, देखिए, संविधान सभा बिल्कुल वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है, ये बात सही हो गया।
कई समितियों के माध्यम से कार्यरत था, बहुत सारी समितियां बनी थी, जैसे अभी हम लोग देखे थे प्ररूप समिति हो गया, ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, बिल्कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। सब सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 40। पहली बार भारत में आंशिक रूप से कब संविधान लागू किया गया था, देखिए आंशिक रूप से, और दूसरा हो गया टर्म आपका पूर्ण रूप से, ठीक है। आंसर करें ये जो है 26 आपको नवंबर 1949 को, आंसर आप लोग कर ही लिए होंगे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसमें देखेंगे तो आपको आर्टिकल जो है आपको 16, और भी कुछ आर्टिकल जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, उसके बाद 326, 366, 367, कुछ और जो है आर्टिकल लागू किया गया। पूर्ण रूप से जो है शेष जो है कब लागू कर दिया गया था, तो आपको 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। आगे देखिए संविधान सभा में शामिल महिलाओं में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थी, अभी हम लोग देखे थे कि कितनी महिलाएं टोटल शामिल हुई थी, ठीक है। अब इसमें पूछा है कौन शामिल नहीं थी, देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे कि टोटल जो है 15 महिलाएं इसमें चुनी गई थी, ठीक। इसमें जो है आपको देखेंगे तो उषा मेहता है, एनी मस्करिनी, रेणुका राय, बेगम एजाज रसूल, ये तो थी यहाँ पे, कौन शामिल नहीं थी, ये ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, उषा मेहता, उषा मेहता जो है इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। एक बार नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, हो सकता है कहीं और ऑप्शन दूसरा फिर बना दिया जाए, कौन कौन इसमें शामिल थी। एक पूर्णिमा बनर्जी थी पहला, दूसरा बेगम एजाज रसमूल, राजकुमारी अमृत कौर तीसरा हो गया, चौथा सरोजनी नायडू, पांचवा हो गया हंस मेहता, हंसा मेहता, छठा जो है आपको जी दुर्गा बाई, सातवा लक्ष्यानी बेलाउद्दीन, आठवा आपको अम्मू स्वामीनाथन, नवा जो है मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, एनी मस्करिनी, ये सब जो है इसमें शामिल थी। इन सबका नाम आप याद रखेंगे थोड़ा। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया, ठीक है, संप्रभु संविधान जो है कब घोषित किया गया था, आंसर करें। ठीक है, डेली आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है 9 बजे टेस्ट मिला करें, आप लोग जो है इसको शेयर कर दें और अधिक से अधिक जो है लाइव जुड़ने का प्रयास करें लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय अधिराज्य के संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान घोषित किया गया, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ये 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए गए थे, ठीक है, जुलाई 1946 में। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 जुलाई 1946 को, ठीक है। और पूछा जाए कि भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा, तो 14 अगस्त 1947। आगे देखिए प्रश्न संख्या 43। संविधान सभा में पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है, आंसर करें। टोटल जो है 211 सदस्य, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था पहला बैठक, इसके अध्यक्षता जो है कौन किए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। 9 दिसंबर को जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें देखिएगा 211 सदस्य हिस्सा लिए थे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश के तर्ज पर संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, चलिए अब आंसर आपको यहाँ पर लिख ही दिया गया जो मैं प्रश्न आपसे पूछा, ये जो है फ्रांस, फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है, फ्रांस के तर्ज पे जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। खैर बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है काम किए थे, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, संविधान सभा का अध्यक्षता तो याद है, उपाध्यक्ष भी कभी कभी आपसे प्रश्न में आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है क्या, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का नाम भी याद रखेंगे। जैसे उपाध्यक्ष में देखेंगे तो आपके डॉक्टर एससी मुखर्जी और बीटी जो है कृष्णचारी, ये लोग उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, यानी दो उपाध्यक्ष बने थे एक अध्यक्ष बने थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और ये लोग उपाध्यक्ष हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, ये हो गया आपका 44, 45 देखते हैं। देखिए पूछा गया है संविधान सभा के द्वारा किए गए कार्यों का सही युग्म है, देखिए यहाँ पे सही बताना है,
22 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। देखिए 22 जुलाई 1946 को नहीं अपनाया गया था, आप लोग बाकी आंसर करें इसका। 22 जनवरी 1946 को राष्ट्रीय गान, 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय गीत, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, यहाँ पे सही पूछा गया है तो सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अच्छा तो ये राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था, ये 22 जुलाई 1946 नहीं, 22 जुलाई आपको 1947 को, ठीक है याद रखेंगे। जबकि राष्ट्रीय गान की जहाँ तक बात है, ये 22 जनवरी 1946 को नहीं, ये राष्ट्रीय गान कब, 24 जनवरी 1950 को याद रखेंगे। 24 जो है आपको जनवरी 1950 को जो है ये राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत की जहाँ तक बात है, ये जो है आपको 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है याद रखेंगे दोनों। आगे देखिए प्रश्न संख्या 46। देखिए संविधान सभा के प्ररूप समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें गलत है। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, प्ररूप समिति की बात हो रही है, ठीक है। इस समिति में 7 सदस्य थे, प्ररूप समिति के सदस्य पीए मित्र के त्याग पत्र देने के बाद उनके स्थान पे टीटी कृष्णचारी की समिति में शामिल किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति था प्ररूप समिति, इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये तो बात आपको क्या है सही है, ठीक है। इस समिति में जो है देखेंगे तो आपको भीमराव अंबेडकर और उनके अलावा 6 सदस्य और थे, तो ऐसे में देखेंगे तो इस समिति में टोटल 7 सदस्य हो जाएंगे, ये भी सही हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे सही नहीं है, ऐसे में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 7 सदस्य में एक बार नाम सुन ले, आपसे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। प्ररूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहली बात तो याद रखेंगे गठन कब हुआ था, 29 जो है अगस्त आपको 1947 को। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था आपको, देखिए देखिए अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था आपको, तो अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। पहली बात सदस्य कौन कौन थे इसमें, तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव थे, ठीक है। माधव राव जो है आपको बीएल मित्र की जगह लिए थे, ठीक है बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा था कि बीए मित्र को त्याग पत्र देने के बाद टीटी कृष्णचारी, तो ऐसे में गलत हो गया था, माधव राव जो है आपको ये बीए मित्र के जगह लिए थे, स्वास्थ्य कारण के कारण से वो त्याग दिए थे। जबकि टीटी कृष्णचारी जो है ये आपको डीपी खेतान का मृत्यु हो गया था, तो उनको जो है उनका जगह दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के लिए कुल कितने स्थानों का चुनाव हुआ था, ठीक है आंसर करें। देखिए ऐसे तो आप सभी को पता है कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और संविधान सभा के चुनाव का बात किया जाता है, ठीक है आप लोग आंसर करें। कुल सदस्य जो है कितना निर्धारित किया गया था इसमें, 389, क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने स्थानों पे चुनाव हुआ था, ठीक है चुनाव कितने स्थान पे हुआ था, तो 390 निर्धारित किया था, ठीक है। इसमें से अगर देखेंगे तो 292 आपको ब्रिटिश जो है भारत प्रांत से, ठीक है यानी आपको 292 प्रतिनिधि जो है ब्रिटिश भारत से थे इसमें, पहली बात। 11 जो है प्रांत से थे और 4 जो है आपको चीफ कमिश्नरी से थे, यानी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। और 93 इसमें जो थे, 93 ये कहाँ से थे आपको, ये देसी रियासत से थे। अब यहाँ पे पूछा गया कि कितने स्थानों पर चुनाव हुआ, तो 292 ये ब्रिटिश भारत और 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र, 296 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, ये सारा याद रखेंगे। टोटल कितने थे, 389, 292 जो है प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत से पहली बात, 11 जो है प्रांतों से, यानी ब्रिटिश भारत का जो 11 प्रांत था ना, एक बार ध्यान से सुन लेंगे, 292 जो है ब्रिटिश भारत का कितना प्रांत था उस समय, 11 प्रांत था, वहीं से 292 चुने गए थे, ये बात याद रखेंगे। 4 जो है कहाँ से, चीफ कमिश्नरी से, यहाँ पे जो कि चुनाव का बात हुआ है तो 292 प्लस 4 ही होगा, ठीक है क्लियर है। अच्छा ये भी याद रखेंगे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन थी, एक था आपका
ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर मरवाड़ और दिल्ली। 93 जो है देसी रियासत से, इतना भी बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा आपका भी 26 नवंबर। ठीक है, 2015 से जो है दिवस हम लोग मनाते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किसे संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार, आंसर करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कौन थे? बी एन राव थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, संवैधानिक सलाहकार थी। अगला देखिए, ये किसका कथन था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? ये जो है स्टेटमेंट किसका था? ऑस्टिन का था। ऑप्शन डी, तो बिल्कुल इसको याद कर जाएं। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका और विधायपालिका के बीच शक्तियों का, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकारिता का, भारत में सेक्रेटरी और वायसराय की शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आप सभी कर लिए। देखिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के अधिकारिता के बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसी में देखेंगे तो पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना ब्रिटिश सरकार का जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें देखेंगे तो इस अधिनियम में जो है आपको भारतीय सचिव को वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा, पहली बात याद रखेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया, ठीक है, और इसके तहत जो है प्रांतीय विषय को आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में भी बांटा गया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में आपको सन्निहित जो है मान लीजिए नहीं है? इसमें भारत के जो है उद्देशिका में, प्रस्तावना में कौन शामिल नहीं है पूछा गया है। देखिए, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में देखेंगे तो न्याय का तो वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं की गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 53, देखिए, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? देखिए, ये कहानी इसकी थोड़ी सी लंबी रही। बेरुबारी जो वाद था आपका 1960, आप आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, बेरुबारी जो वाद 1960 है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना जो संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर जो 1973 का मामला आया आपका केशवानंद भारती, ठीक है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को इसका भाग मान लिया। ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आगे देखिए, अब पूछा जा सकता था कि बताइए किस वाद में नहीं माना गया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था? प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी किया गया, वो कौन था? 42वां संविधान संशोधन, आप सभी को पता है। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में, 1976 में किया गया था। और इसी में प्रस्तावना में देखेंगे संशोधन करके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया था। आगे देखिए, अगला है, ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न नहीं दिख रहा होगा आपको, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उद्देशिका। ठीक है, संविधान के उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर देखेंगे तो संविधान उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, उसको जो है आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आपका आर्टिकल 32, ये भी संविधान का आत्मा कहा गया किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो है बन गया? ये कब बना आपको? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, 57, निम्न में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? ठीक है, पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये कौन था? एस आर जो है बम्बई वाद था, एस आर बम्बई बनाम जो है भारत संघ वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया। अभी आधारभूत ढांचा क्या होगा, इसको समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करते रहा है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में
प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामले में उनकी विशेषता के लिए चुने गए, प्रांतीय संविधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए, प्रांतों में जो संविधान सभा के सदस्य थे प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कल अगला टेस्ट जो आपका होगा उसका जो है टॉपिक कौन सा है आपका? आर्थिक सर्वे। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वे याद रखेंगे, टॉपिक प्रिपेयर करके आएंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है धर्मनिरपेक्षता, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, भारत तो धर्मनिरपेक्ष है ही, संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। ठीक है, यूएसए में है, भारत में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अगला देखिए, निम्न में से कौन जो है भारतीय संविधान की विशेषता है? यहाँ पूछा गया है, बताइए कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? आंसर करें, नीति निदेशक तत्व है, केंद्र विमुख संविधान, राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली, व्यस्क मताधिकार। देखिए, नीति निदेशक तत्व है हमारे यहाँ, बिल्कुल बात सही है, केंद्र विमुख संविधान। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? व्यस्क मताधिकार भी है, लेकिन राष्ट्र अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है यहाँ पे, हमारे यहाँ अध्यक्ष नहीं है, ऐसा है संसदीय है। तो ऐसे में जो है क्या पूछा गया था, विशेषता है, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, 1, 2, 4 ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 61। देखिए, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार पटेल। संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रक्रिया नियम समिति जो है, ये इसके कौन थे? सचिदानंद सिन्हा नहीं थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो वैसे में ये गलत हो गया। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, संघ समिति नेहरू, भाषाई प्रांत एसके दर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन है, कनाडा है, भारत स्वतंत्र में, या यूएसए? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो ये सब बातें याद करने वाली है। अगला देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को की गई थी। वैसे में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा यह हिंदुओं का एक निकाय है? ये जो है आपको इसके द्वारा कहा गया था, आंसर कर लिए होंगे आप, विस्काउंट्स के द्वारा, लॉर्ड विस्काउंट्स के द्वारा कहा गया हिंदुओं का एक निकाय है। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 66। संविधान सभा के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन इसमें गलत है? यह न्याय योग्य है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना, प्रस्तावना में अभी तक मात्र 2 बार संशोधन किया गया। यहाँ पे क्या बताना है, गलत कौन कौन सा है? देखिए, बात किसकी हो रही है? प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना जो है न्याय योग्य तो नहीं है, ठीक है, अपरिवर्तनीय है, ये न्याय योग्य नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर देखें, यहाँ पे प्रस्तावना में अभी तक मात्र 2 बार संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में मात्र जो है 1 बार किया गया था, वो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा जो है उनके द्वारा माना गया था। ठीक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखे थे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कि केशवानंद भारती मामले में माना गया था, ये तो सही माना जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 67 देखते हैं, देखिए, भारत के संविधान सभा ने 31 दिसंबर 1946 को राज्यवर सदस्यता में बिहार के कितने सदस्य शामिल थे? ठीक है, आंसर करें, संविधान सभा में देखेंगे तो राज्यों से जो है सदस्यों को शामिल किया गया था, वैसे में जो है बिहार से जो यहाँ पे 36 सदस्य थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
अच्छा, सबसे अधिक जो है कहाँ से शामिल थे? तो 55 सदस्य शामिल हुए थे कहाँ से? संयुक्त प्रांत से। आगे देखिए, अगला है 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशनल इज सेटल्ड बाई द असेंबली फी पास्ट प्रस्ताव किसे ने पेश किया? ठीक है, तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आगे देखिए 69, संविधान निर्मात्री समिति और उसके अध्यक्ष के रूप में कौन जो है सही युग में नहीं है, यानी गलत कौन सा है कथन, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय समिति आपको इस जो है चियार है, अल्पसंख्यक जो है उप समिति एससी मुखर्जी, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी है, संघ शक्ति समिति बी आर अम्बेडकर है। देखिए संघ यहाँ पे क्या पूछा गया था, कौन सही नहीं है? संघ समिति के अध्यक्ष जो है आपको पंडित नेहरू थे, ऐसे में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा यहाँ पे जो है एबीसी जो है सही है। ये देखिए, निम्न में से कौन जो है प्ररूप समिति का सदस्य नहीं था? थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे 6+1, एक अध्यक्ष 6 सदस्य। ठीक है, आंसर करें के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर। देखिए केटी शाह इसमें शामिल नहीं थे, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन भारत के अंतरिम सरकार 1948 का हिस्सा था? ठीक है, आंसर करें। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये जो इसमें हिस्सा नहीं थे, बाकी भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे इसमें। आगे देखिए प्रश्न संख्या 72, भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निम्न से नहीं लिया गया है, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरीक्षण, केंद्र राज्य संबंध, मौलिक अधिकार। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि पूछा है नहीं लिया गया है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ये केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, याद रखेंगे, बाकी सब कुछ तो यहाँ पे सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 73, देखिए संवैधानिक स्रोत और देश का सही मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पे मैं टॉपिक जो है आप सभी को बता दिया करूँगा, आप टॉपिक पढ़ के आएंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ पे देश का सही मिलान करना है। देखिए पहला समवर्ती सूची, तो ये कहाँ से लिया गया था आपको, ये ऑस्ट्रेलिया से, तो ये का तो हो जाएगा, आप लोग आंसर करें इसका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको जापान से एक हो जाएगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने वाली बात, ये जो है आपको यूएसए से 4, और विधि का शासन ये ब्रिटेन से, ऐसे में 3, 2-1-4-3, 2-1-4-3 जो है ये ऑप्शन आपको डी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 74, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका, यह कथन निम्न में से किसका है? ये जो है आपका आइवर जेनिक्स का था, याद कर लेंगे। आगे देखें आज का जो है ये लास्ट प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत बताना है। प्ररूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के एम मुंशी थे, संविधान सभा में अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को नामित किए गए, संविधान सभा के प्रथम बैठक राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। यहाँ पे गलत बताना है, देखिए संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को ही की गई थी, प्ररूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य मुंशी ही थे, बाकी बी भी सही है, अस्थायी उपाध्यक्ष जो है आपको फ्रैंक एंथोनी को नामित किया गया था, लेकिन प्रथम जो है बैठक में अध्यक्षता अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, ऐसे में आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है 75 क्वेश्चन फिनिश कर दिए, आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और बाकी हम लोग टेस्ट यहाँ पे करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट टेस्ट जो होगा आपका टेस्ट नंबर इसका 3। ठीक है, डेली जो है टेस्ट आपको सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 AM में मिल जाया करेगा। टेस्ट नंबर जो है 3 होगा, टॉपिक क्या है इसका, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे आर्थिक सर्वेक्षण को, फिर ये टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और अपना मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे कि आपका जो है कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।